लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथामृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में पूज्य पंप श्री रमेश भाई ओझा जी के द्वारा आज के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी का स्वागत कथा व्यास जी के द्वारा शॉल उड़ाकर किया गया। इसके उपरांत कथा व्यास जी के द्वारा कहा गया कि दूसरे के कर्तव्य को अपना अधिकार मत समझो। जिस प्रकार माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों का लालन पालन करना, भरण पोषण करना, बच्चों को उसे अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। सदैव सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ गुण भी होता है, धर्म का अर्थ कर्तव्य भी होता है। जिस प्रकार ग्रहों का राजा सूर्य को माना गया है, उसी प्रकार घर का मुखिया जो होता है उसको बहुत से कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। आपकी भूमिका क्या है उसमें अपने कर्तव्य को करते हुए को अपनी भूमिका बनाओ। जो राजा होता है उसके जीवन में तीन चीजों का कोई स्थान नहीं, जैसे छुट्टी, विश्राम और भेदभाव, इन तीनों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य नारायण कभी विश्राम नहीं करते, कभी छुट्टी पर नहीं जाते और सबके लिए एक समान प्रकाश देते हैं। आज कथा व्यास जी के द्वारा राम कथा में धनुष भान, राम विवाह, वन गमन, सीता हरण, लंका दहन, रावण वध के साथ राम का राजतिलक तक की कथा को कथा व्यास जी के द्वारा राम कथा कही गई। आज 9 दिवसीय राम कथा को अल्पकाल के लिए विश्राम दिया गया। इसके उपरांत इसके प्रतिदिन की भांति विशाल भंडारे का आयोजन किया गया एवं कलश वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। श्री राम कथा महोत्सव जो चल रहा है, आज उसका अंतिम दिन है। आज विश्राम दिया जाएगा कथा को, राम कथा को। आज इसमें गोपाल नंदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो आज यहाँ उपस्थित रहे कथा में। आज उनका आह्वान हुआ उनका, और सब राम कथा जो आज विराम होगा 12:30 बजे के बीच में जो देने जा रहा है, उसके तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया है। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। राम कथा 9 दिन ये हमारे मुरादाबाद महानगर के अंदर चली थी, उसका आज विश्राम श्री भाई श्री जी के मुख से यहाँ पर कथा का आयोजन किया गया।